please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. बोल रहे हैं तो दिग्विजय सिंह ने बयान दिया, क्या आप उनके बयान से सहमत हैं? देखिए, दो तरह की धारणा है। सबसे पहले जो कांग्रेस के धड़े की तरफ से आई, हिंदू आतंकवाद, उसके खिलाफ तो देखिए मैं नहीं, वो तो कह रहे हैं हिंदू आतंकवाद तो अब रहा नहीं, मैं तो संघीय आतंकवाद का था। वो धारणा बिल्कुल गलत है। देश में, हमारे देश में आतंकवाद अगर कोई भी कर रहा है तो उसका कोई धर्म या जाति नहीं है। हाँ, ये बात जो दिग्विजय सिंह ने कही है, संघीय आतंकवाद, अगर हम देखते हैं इतिहास को, अभी ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, समझौता एक्सप्रेस, मालेगांव, अब रुकिए ना, आप सर आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा, समझौता एक्सप्रेस, मैं वो भी बोल दूंगा, समझौता एक्सप्रेस, मालेगांव और जयपुर अजमेर कांड, बहुत सारे ऐसे जो कांड निकले हैं जब इनको हमने खंगाला, हमने नहीं, हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने खंगाला तो देखा तो उसके पीछे संघ का वो चेहरा नजर आया जो पिछले कई सालों से जिसकी तैयारी कर रहा है। नतीजा क्या हुआ? और उसका नतीजा ये है कि आज देश में जो इनकी तस्वीर बनती जा रही, देखिए मैं बुरे दिल से नहीं कह रहा हूं, ठीक है, कि इनको अपनी तस्वीर सुधारनी चाहिए और मैं CIA की रिपोर्ट को भी खारिज करता हूं। ये मेरे देश का मामला है, हमारे घर का मामला है। संगठन पाकिस्तान से समझौता पाकिस्तान से आए हुए फर्जी पासपोर्ट उनको क्यों छोड़ा गया? आगे बाकी तमाम सुरक्षा एजेंसियां कह रही हैं कि वो फर्जी है, तब जितने पाकिस्तान देखे हैं आप, उनके हाथ निकल गया है। अब तमाम विदेश से कोई ताल्लुक नहीं। अब मैं अपने देश के हालात की बात, डेविड हेडली के बयान पर भरोसा नहीं, उसको तो संघ ने नहीं किया, उसको तो संघ ने नहीं कहा, मालेगांव को उनको तो संघ ने नहीं कहा, डेविड हेडली को तो नहीं कहा, माना कि आपने फाइलें जला कर सूत्र कहते हैं कि हमने कराया। और मजे की बात यह है, कुछ तथ्यों को छुपाने का प्रयास जैसे कहते हैं हमने करवाया, आप उस पर सफल नहीं हो पाएंगे, उस पर भरोसा नहीं है, आप कहते हैं दिग्विजय सिंह पे भरोसा है, आप उस दिग्विजय सिंह को भरोसा इनको संघ से हटवाइए। ये विद्वेष की भावना, आपको आईने की भावना यहाँ पर पैदा करना चाहते हैं। संवाद की जरूरत है, संघार की नहीं। मशहूर है कि यहाँ पर दोनों समुदायों के बीच में आपको संवाद की जरूरत है, संघार की नहीं, सत्ता की राजनीति। अजनिवेश जी, अवस्थी साहब, एक भी ऐसा मुद्दा नहीं है। अभी आपको मालूम हुआ कर्नल पुरोहित के बारे में, कर्नल पुरोहित के बारे में रिपोर्ट आई है, कर्नल पुरोहित के बारे में रिपोर्ट आई है, पूरा देश जानता है, दूसरे पूरा देश जानता है, आपके प्रणब मुखर्जी नहीं जानते, देश का नाम आपके प्रणब मुखर्जी नहीं जानते, जाके भारत माँ के वीर महान सपूत को मैं नमन करता हूँ। आज गांधी के भारत माँ के राहुल गांधी जवाब देंगे ना उसका, आप में जवाब देंगे, राहुल गांधी कोर्ट में खड़े हुए, सीताराम केसरी माफी मांग चुके, देश के लिए जीता हूं, अपने देश के लिए मरता हूं, आपको माफी मांगनी पड़ेगी कोर्ट में। देखिए मैं सीताराम केसरी की तरह काफी मेरे देश का नाम, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप इस पूरी डिबेट के लगभग 15 मिनट के हिस्से को देख रही हैं, आप आम लोगों के बीच में जाती हैं, आप खुद एक आम आदमी की तरह ही हमारे यहाँ पर बैठी भी हुई हैं, आप ये जरा बताइए, जब दिग्विजय सिंह का आपने ये बयान सुना तो पहला इंप्रेशन क्या आया? मैं बहुत देर से बोलने की कोशिश कर रही हूँ, मैं आप ही की इजाजत का इंतजार कर रही थी। पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, संघ 1925 में स्थापना हुई जिस संस्था की, उसके बारे में ऐसी बात करना बहुत शर्मदायक बात है। ये जो जनता है ना, ये सब जानती है, ऐसे बयानों से देश डरता है। यहाँ पर बैठे हुए मेरे शख्स, मेरे भाई ने कहा कि ये मेरे देश की बात है और देश बदनाम होता है। भारत बदनाम होता है? भारत बहुत गौरवशाली और बहुत बड़ा देश है, ऐसी छोटी मोटी बातों से हमारा देश बदनाम नहीं हो सकता? आप अपनी राजनीति रोटियां अपना रहे हैं, आप अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं सिर्फ अपने इलेक्शन में वोट जीतने के लिए। आप आम जनता पर ऐसे बिल्कुल, मेरा देश बदनाम नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। आप ये राजनेताओं के खुद के किए हुए कर्म है और जनता सब जानती है। अवस्थी साहब को चाहिए ऐसे सवाल उठाना, मैं विरोध करती हूँ। 26/11 का हाथ बताने वाले से बदनाम नहीं होता सर, आपको शर्म नहीं आई उसमें?
कि 26/11 हमने करवाया, पाकिस्तान ने नहीं करवाया, आपको जरा सा भी हिचक नहीं होती? आपकी वजह से नहीं है, इस तरह की बातों को उठाया जा रहा है।